हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नेचर संजीवनी में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आपके लिए मछलियों के बारे में जो 10 हम रोचक बातें आपको इसमें बताएंगे। तो देखिए दोस्तों इस वीडियो में, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। बचपन में हम सब ने ये कविता पढ़ी है। हमें से ज्यादातर लोगों को लगता है कि मछलियाँ पानी में सुरक्षित रहती है, उन्हें पानी से किसी तरह का कोई खतरा नहीं होता। लेकिन दोस्तों ये बात सच नहीं है, मछलियां भी पानी में डूबने से मर सकती हैं। आज हम आपको मछलियों के 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बताएंगे जो इस प्रकार हैं और जो बहुत कम लोग जानते भी हैं। दोस्तों पहला फैक्ट यह है कि दोस्तों दुनिया में मौजूद हर प्राणी को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ऐसे ही मछलियों को भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ऐसे में अगर मछलियों को पानी में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वह दम घुटने की वजह से पानी में डूब कर मर जाएंगी। दोस्तों वैसे तो ज्यादातर मछलियाँ अंडे देती हैं, लेकिन कुछ मछलियाँ जैसे सफेद शार्क बच्चे को जन्म देती है। वैसे तो मछलियाँ प्यारी होती है दोस्तों, लेकिन कुछ मछलियाँ जानलेवा भी होती है। बॉक्स जेलीफिश को दुनिया की सबसे खतरनाक मछली कहा जाता है। इस मछली का जहर किसी भी मनुष्य के अंदर चला जाए तो उनकी तुरंत मौत हो सकती है। दोस्तों मछलियां अपनी आंखें बंद नहीं करती हैं। दोस्तों वह सोते समय भी अपनी आंखें खुली रखती हैं। दोस्तों डॉल्फिन को भारत की राष्ट्रीय मछली कहा जाता है। डॉल्फिन को दुनिया की सबसे प्यारी मछली भी कहा जाता है दोस्तों। लेकिन क्या आप जानते हैं कि डॉल्फिन 5 से 8 मिनट तक अपनी सांस रोक सकती है। एक मछलियों के झुंड में जो मछली मध्य में होती है वही पूरे झुंड को नियंत्रण में रखती है, बाकी की मछलियाँ मध्य की मछलियों के निर्देश अनुसार चलती है। दोस्तों व्हेल शार्क दुनिया की सबसे बड़ी मछली है। इसकी लंबाई 2 स्कूल बसों जितनी बढ़ जाती है। इसका वजन लगभग 25,000 किलो होता है। प्लवक खारे पानी में उगने वाली वनस्पति होती है। इसके लगभग 4,000 दांत होते हैं जो मात्र 3 मिलीमीटर आकार के होते हैं। दोस्तों सेल फिश मछली दुनिया की सबसे तेज मछली है। ये 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तैर सकती है। कैटफिश एक अनोखी मछली है। इसे जब भी खतरे का आभास होता है ये बिल्कुल गतिहीन हो जाती है। इस दौरान ये एक बहते हुए पत्ते की तरह। तो मछलियाँ अपने अंदर का तापमान अपने आसपास के वातावरण अनुसार बदल देती है, इसी वजह से इन्हें ठंडे खून वाले प्राणी भी कहा जाता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए। थैंक यू दोस्तों।